हेलो दोस्तों, अभी मैं जमशेदपुर में हूँ और ये आप देख रहे हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नायडू दादा हैं जो कि बहुत अच्छा डोसा बनाते हैं। जस्ट इन्होंने अपना एक घंटा से ऐसा खोला है। नायडू जी का डोसा वाव, बहुत ही रिजनेबल रेट में इनका डोसा है, ओनली 40 रुपीज। ये देखिए दाल चटनी। नायडू जी आपका चोखा किधर है? चोखा ये देखिए, एकदम फ्रेश चोखा। ये इसका एड्रेस क्या है? कहाँ का सर? यहाँ का किपसलाई चौक बाजार। हाँ, किपसलाई चौक बाजार जमशेदपुर झारखंड। जुगसलाई चौक बाजार जमशेदपुर झारखंड। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज यहाँ पे एक बार आकर नायडू दादा का डोसा जरूर टेस्ट करें। और यहाँ का लोकेशन देखिए कितना रंगीन। वाह, बहुत बड़ा मार्केट है ये। ये राहुल लॉज के अपोजिट साइड में आप देख सकते हैं, ये राहुल लॉज के अपोजिट साइड में। इनके सामने एयरटेल का दुकान भी है, आप देख सकते हैं लोकेशन। आप कितने बजे से कितने तक आपका दुकान खुला रहता है नायडू जी? 6:30 से लेके 9:30। 6:30 से लेके और मॉर्निंग में 7:30 AM to 11:30 AM। 7:30 AM to 11:30 AM। मैंने आज सुबह ही एक इनका उपमा खाया जो कि बहुत ही टेस्टी था, और अभी देखता हूँ डोसा खाऊंगा। इतने फास्ट से बनाते हैं, ये देखो वाह, इनका मसाला और क्वांटिटी भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से क्वांटिटी दिया है। चटनी दिखाइए, चटनी एकदम गाढ़ा चटनी। ये देखिए कौन सा, ये वाला तो सांभर है। ये देखिए इनका सांभर एकदम गरम गरम। हाँ देखिए, भाप निकल रहा है,
बाप निकल रहे जो यार हम लोग साउथ इंडियन है ना, साउथ इंडियन है ना नायडू जी, नायडू जी बोलना है, इंग्लिश बोलना है, ये तमिलनाडु से, तमिलनाडु से है, तमिलनाडु से है, मदर टंग को बोल नहीं सकते हैं, बिल्कुल राजभाषा हिंदी को हम भी बोल नहीं सकते, बिल्कुल ये इनका हर लैंग्वेज के लेके चलना है, ये इनका चटनी है, देखिए चटनी एक नंबर चटनी, एक नंबर चटनी, नारियल है, क्या क्या मिला है आपने इसमें सर, सब आइटम है सर, एक से बढ़कर एक आइटम, अच्छा ऐसे मिलाने का तो बहुत कुछ है सर, काजू भी मिला सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए क्या कलर है, ये इनका दाल सांभर गरम गरम, और अभी ये इस पे मसाला डालेंगे, मीनू दोस्त मीनू दिखा दीजिए, किम जोंग टी फ्राई अमेरिकन दोस्त, इनका मीनू है यहाँ पे, किम जोंग टी फ्राई एक नंबर आइटम, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, दोस्त एक सेकंड बिल्कुल बिल्कुल, आप तो मतलब इतना ध्यान दे रहे हैं और इतना हेल्दी फूड खिला रहे लोगों को, मैंने जितना भी खाया चीज रहेगा पच जाएगा, दिन भर कुछ खाया रहेंगे और कुछ उन्हें पेट सफा तो हर रोग दफा, वाह मान लीजिए अगर नहीं खाया रहेगा तो दिन भर इससे अदर आइटम दूसरा इडली के सिवा दूसरा भी कुछ खाया होगा, नहीं खाया रहे तब कुछ भी नहीं खाया रहेगा, वो तो भूखा का रहता तो भूखा उठता भूखा सोता तो ऐसा भाग सकते हैं, नहीं डोसा डोसा तो खैर हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, हेल्थ के हिसाब से हम दे, और ये इन्होंने दे रहा है तो क्या मिला है आपने, ये क्या गन पाउडर, ये खुद से बनाते हैं या फिर मार्केट से मिलता है, पहले मैं चेन्नई से मंगाता था, चेन्नई से मंगा, फार्मूला मिल गया तो खुद बनाता, अरे वाह चेन्नई से मंगाते हैं, ठीक है सर डोसा कलर देखिए एक नंबर कलर, देखिए डोसा कलर देखिए, और वाओ और ये पैक हो गया सर, और ये सर्व हो गया, और ये सेकंड वाला का भी प्रोसेस चल रहा है, दूसरा भी बन गया है, वाओ कलर वाओ कौन कर रहा है, ये ऊपर रख दिए, किसी का पार्सल ऑर्डर है क्या, वो इनका ऑर्डर है, पार्सल है, पार्सल अभी खाइए सर, जरूर जरूर आपका मैं डोसा खाऊंगा, बना दे क्या थोड़ी देर में, अभी मैं देख लेता हूँ, आप पहले अपने ग्राहक लोगों को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपका डोसा टेस्ट करूँगा, आज सही टाइम बेटा है ना, डोसा बनाने का जो प्रोसेस है काफी फास्ट, इन्होंने बनाते हैं सुबह से लेकर शाम तक इनका चलता ही रहता है, लोग काफी पसंद करते हैं, ये देखिए बहुत ही फास्ट डिलीवरी इनका, आपके पापा यहाँ बेचते थे, अभी आप इधर बेचने लगे हैं, ना पासा की माँ
वो भी साउथ इंडियन है क्या? हमारा भाई। ओ आपके अपने भाई, कजन ब्रदर ना, अपने ब्रदर है। अच्छा, पूरा तमिलनाडु इधर ही आ गया। कुछ का कुछ ज्यादा पहले बहुत था, पहले था। अच्छा 25 परिवार। अच्छा अब सब परिवार सब चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद उधर ही बिजनेस चालू कर दिए। ओके ओके, अब वहाँ के लिए वहाँ कोई पहले से बात नहीं रहा। ओ अब वो तरक्की कर गया बेंगलोर। हाँ वो तो है, लेकिन सब उधर ही चला। लेकिन लेकिन डोसा और इडली खाना तो नहीं छोड़ेंगे। डोसा इडली तो हम लोग का फेवरेट चीज है, मान लिया जाए हम ही बना रहे हैं। अगर हम एक हफ्ता अगर गांव चले गए चेन्नई, तो डोसा करी के खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा चीज है, नमकीन चीज है, नमकीन मीठा चीज नहीं ना कि मन भर जाए। बिल्कुल, डेली का नाश्ता हम लोग का ही। साउथ में भी इसी टाइप का बनता है क्या डोसा? हाँ साउथ में भी ऐसे ही है। डोसा तो एक से नहीं, हम तो गए विशाखापट्टनम में गया, उधर ऐसे ही बनता है। लेकिन जो मजा जमशेदपुर का डोसा का मजा नहीं, जमशेदपुर का जो डोसा है ना, यहाँ एक से बढ़कर एक बनाने वाले। यहाँ भी बहुत लोग हैं यहाँ पर, आपको साउथ इंडियन लोग डिश बहुत पसंद करते हैं जमशेदपुर में, झारखंड में, खास करके जमशेदपुर में सुबह का जो परसेंटेज लोग का नाश्ता है आपका डोसा इडली। अच्छा अच्छा, जमशेदपुर में कोना कोना में जाइएगा, कोना कोना में डोसा इडली का मिल जाएगा, काउंटर मिल जाएगा, केला होटल दुकान सब। अच्छा, यहाँ के लोग बहुत प्यार से इसको प्यार से खाते हैं। ओके, और आप बहुत प्यार से बना भी रहे हैं सर, कस्टमर बिल्कुल कस्टमर भगवान बोले के चलते तो कुछ मिलता है। ये पार्सल हो गया नायडू जी का, बहुत ही पोलाइट नेचर है इनका। चलिए नायडू जी एक मेरा बनाइए, मैं भी टेस्ट करता हूँ आपका। मॉर्निंग में मैं एक उपमा खाया था, अभी मैं डोसा खा के देखता हूँ कैसा है। इधर तो देखता हूँ कि रात में 10:30-11 तक पूरा मार्केट खुला ही रहता है। हाँ 10 बजे तक खुला, 10 बजे तक खुला रहता है, जनरल बात है। बस अभी झाड़ा के चलते बहुत जल्दी बंद हो जा रहा है, तो और खुला है। ये पूरा होलसेल एरिया है ना, होलसेल एरिया पूरा, वही मैं देख रहा हूँ, पूरा होलसेल मार्केट है यहाँ। रिटेलिंग बहुत कम, रिटेलिंग बहुत कम है ना, होलसेल मार्केट। अच्छा दोस्तों, ये पूरा होलसेल मार्केट है जोगसलाई का, जमशेदपुर का बहुत ही फेवरेट एरिया है ये। मारवाड़ी लोग यहाँ पे, मारवाड़ी लोग का घर है, मारवाड़ी का घर है, मारवाड़ी का घर है पूरा, बिजनेस बिजनेस एरिया, बिजनेस सेक्टर है। ओके, उसी रेट में, उसी रेट में मान ली यहाँ से जाएगा तो खाना पीना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक दिन का रेस्टोरेंट है यहाँ पे मिल जाता है, वही चीज अगर आप तो जा रहे हैं। और यहाँ से स्टेशन भी सामने है, स्टेशन तो बस सामने 1.5 किलोमीटर। मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा होलसेल मार्केट है यहाँ पे, हर चीज होलसेल है, खिलौना से लेके कपड़ा से लेके, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सजावट आइटम से लेके सब है। मेडिकल है, मेडिकल, हाँ मेडिकल शॉप भी भरा हुआ है, और ज्यादा है पूरा जमशेदपुर के अलावा आसपास का इलाका जो है, यहाँ से कम से कम 40 किलोमीटर का दायरा है सर। हाँ सबका होलसेलिंग यहीं से जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, ये मेरा थोड़ा क्रिस्पी बनाइएगा दादा, मेरा डोसा बन रहा है, अभी मैं टेस्ट करूँगा।
मिर्च डाला सर? हाँ हरा मिर्च डालिए, हरा मिर्च तो मैं, हरा मिर्च तो मेरा फेवरेट है, मैं तीता ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये देखिए इन्होंने एकदम फ्रेश, वाओ। अभी मैं करूँगा, अभी मैं अपने डोसा को टेस्ट करूँगा और खा के बताऊँगा कि कैसा लगता है। ये देखिए इसका कलर है, फुल क्रिस्पी। अभी मैं खा के दिखाता हूँ। बहुत बहुत बेहतरीन टेस्ट, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट। आप अगर साउथ इंडियन में नहीं खा रहे हैं तो जमशेदपुर में इनके ठेले पे आके खाइए। वाह, अल्टीमेट। सही है ना सर? हाँ ठीक है ना, बहुत बहुत अच्छा टेस्ट है मैडम, बहुत अच्छा, सही है, बहुत अच्छा।